So now today we are going to discuss about the topic of intellectual property rights. Intellectual property rights के बारे में आज हम study करेंगे. We will know about the its definitions, its formation, ठीक है, और other countries में क्या क्या इसके aspects हैं, किस तरह से इसको follow किया जा रहा है, और कुछ अदर एजेंसीज जैसे यूनाइटेड नेशन है तो उससे रिलेटेड क्या एजेंसीज इससे संबंध रखती हैं, रिलेशन रखती हैं. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में अगर बात की जाए तो सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में अगर हम जानें कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होता क्या है, तो ये एक बौद्धिक संपदा होती है. बौद्धिक संपदा मीन्स कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, एक ऐसी संपत्ति होती है जो ह्यूमन ब्रेन के द्वारा या ह्यूमन मस्तिष्क के द्वारा एक उपज होती है, यानी यील्ड होती है. जैसे फार्मर अपनी फील्ड में कोई क्रॉप ग्रो कराता है, अपने खेतों में कोई फसल लगाता है, उस फसल को जब तैयार करके उसे कटाई करता है तो उसमें से जो यील्ड निकलती है उसका यूज वो खाने में कर लेता है, ठीक, अपने खुद के कंजम्पशन में कर लेता है, अपनी खुद की नीड्स को पूरा करने में कर लेता है. लेकिन क्या होता है कि जब उसके पास सरप्लस आ जाता है, यानी उसके पास जितना चाहिए था उससे ज़्यादा उसके पास प्रोडक्शन हुआ है, तो उस चीज़ को वो ले जा करके एग्रीकल्चर मार्केट्स में ले जा करके सेल कर देगा, बेच देगा. तो इस तरह से जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो अपने लिए कुछ चीज़ें सोचता रहता है, उन्हें पूरा करता रहता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें वो सोच लेता है जो दुनिया में पहले ऐसे ना हुई हों, या फिर उसकी तरह से ही वो चीज़ें कोई ना सोचा रहा हो, और उसे सोचने के बाद दुनिया को या फिर जो अदर पॉपुलेशन है या कोई कम्युनिटी है